Hey guys, welcome back to our channel and आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट लाए हैं WordPress की बोल्ड MCQ जिसकी मदद से आप अपनी WordPress वेबसाइट को MCQs वेबसाइट में तब्दील कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी WordPress वेबसाइट की जो होम पेज है वो इस तरह से लुक करती है। होम पेज जो है आप उसकी UI डिज़ाइन देख सकते हैं, इसकी फुटर और इसकी जो है हेडर आप देख सकते हैं। अगर कोई लॉग आउट यूज़र है जो उसमें वेबसाइट में अकाउंट उसका नहीं बना हुआ वो यूज़र आ जाता है तो फिर उसके सामने लॉग इन एंड रजिस्टर के बटन्स आ जाते हैं। अगर कोई यूज़र जो ऑलरेडी इस वेबसाइट में लॉग इन है उसके सामने एड MCQs अकाउंट एंड लॉग आउट के बटन्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बटन्स जो हैं वो आ जाते हैं। जिस तरह से यूज़र होता है अगर लॉग आउट है तो उसकी तरह से लॉग आउट वाले जो हैं वो दूसरे बटन देखेंगे, अगर लॉग्ड इन यूज़र है तो वो ये वाले बटन देख सकता है एड MCQs अकाउंट लॉग आउट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फुली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, आप आगे चल के आप जो है अपनी मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं और आपको हम आगे एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें मोबाइल में भी आपको वेबसाइट यूज़ करके हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रजिस्टर और लॉगिन की तरफ। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर का पेज है जिसमें कोई भी यूज़र अकाउंट अपना बना सकता है और वो इस वेबसाइट में MCQs सबमिट कर सकता है। उसके बाद लॉगिन का पेज है, ये लॉगिन का पेज खुल गया है जिसमें कोई भी यूज़र जो है अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके लॉगिन कर सकता है। उसके बाद चलते हैं सबमिट MCQs पेज पर जिससे हमको पता चलेगा कि यूज़र पोस्ट में क्वेश्चंस वगैरह या MCQs कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो एड MCQs पे आते हैं, जब भी कोई यूज़र अकाउंट बना लेगा तो उसके सामने ये बटन आ जाएगा सबमिट MCQs। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं फॉर, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की, उसके बाद यहाँ पे नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक दे देता हूँ डेमो क्वेश्चन 2024। यहाँ पे आप दो तरह से क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, एक मैन्युअली टाइप कर सकते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन वन इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है लिस्ट वाला, यहाँ पे नंबर लिस्ट है, यहाँ पे ब्लड लिस्ट है जिसको डॉट वाली लिस्ट कहते हैं, ठीक है। इस पे अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन टाइप करेंगे सिंपल, यहाँ पे हमें ए और बी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फोर ऑप्शन हमें लिखना है, और जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है, और नीचे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपने लिख लेनी है। और जो भी आपने बोल्ड वगैरह कर लेने हैं यहाँ पे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और सबमिट पे क्लिक कर लेनी है। तो आप क्या है क्वेश्चन है, यूजर का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। तो मैं आपको होम पेज की तरफ ले जाता हूँ। ये हमारी डेमो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ऑप्शन भी आ चुकी है
एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे शो नहीं होगी होम पेज पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार ऑप्शन आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जब भी कोई क्वेश्चन सबमिट करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एडमिन रिव्यू करे, उसके बाद अप्रूव होने के बाद ही क्वेश्चन आपकी होम पेज या वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए, तो वो भी इसी वेबसाइट में पॉसिबल है। हमने वो भी फीचर ऐड कर दिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है उसको ऑन करना होता है। अभी चलते हैं सिंगल पोस्ट पेज पे। जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक कर देगा क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद क्या शो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले उस क्वेश्चन का टेक्स्ट आता है, ऑप्शंस, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाती है और क्वेश्चन के रिलेटेड जो है क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी हैं क्वेश्चन वो भी आ जाते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक अगर लॉगिन होगा ब्राउजर में तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेम है। अभी चलते हैं WP डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे नजर आता है। तो ये हमारी जो है स्टाइलिश, इसको भी हमने बना दिया है, हमारी टीम ने इसको भी स्टाइलिश बना दिया है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी ये हमारी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है, तो मैं आपको पोस्ट वाले सेक्शन में ले चलता हूँ। यहाँ डेमो क्वेश्चन लगा हुआ है, तो इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज यहाँ पे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लगी हुई है। उसके बाद कोई भी चेंज करने के बाद अपडेट कर लेना है, आपकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज बता चलूं, ये हमारी जो वर्डप्रेस की जो सोर्स है ये पेड सोर्स है, आपको बाय करनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, इस वेबसाइट से आपको सोर्स फाइल मिल सकती है जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन लिंक, डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज की भी लिंक है, वहां पे भी आप रابطہ कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपको ये सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत ही चीप रेट में मिलेगी। तो इंस्टॉल कैसे करनी है वो भी हम आपको गाइड करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके भी रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सोर्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि सोर्स की जो भी सेटअप वगैरह है वो हमारी टीम करके दे तो वो भी पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपने सोर्स बाय करनी है, आपकी अपनी होस्टिंग और डोमेन होनी चाहिए, फिर हम आपको सारी की सारी वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करके देंगे। तो ये सेटअप बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सारी की सारी वेबसाइट हमने ऑलरेडी जो है बना दी है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होंगी। तो साइड वाले प्लगइन्स आप नहीं देख सकते क्योंकि ये एक पेड है सोर्स, इसी वजह से आप प्लगइन नहीं देख सकते। और अगर आप चाहेंगे कि इस वेबसाइट की जो है सोर्स किसी वेबसाइट से मालूम करना चाहते हैं प्लगइन्स और थीम वगैरह जो हमने यूज़ किए हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है, आप स्कैन करके देख भी सकते हैं, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से हमसे ये बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।